गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास फोर का मैथ्स पेज नंबर 1 को बनाने के लिए सीखे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक को बनाने के लिए सीखे थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के लिए सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्पष्ट लिखा हुआ है लूप एट डी पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, यहां लिखा हुआ है लूप एट डी पैटर्न, मतलब जो पैटर्न यहां दिया है इस पैटर्न को हम लोगों को देखना, ध्यान से देखना है कि पैटर्न में है क्या। और उसके बाद ये जो ब्लैंक्स देख रहे हैं, ब्लैंक्स 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 ब्लैंक्स, उसको फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। लेकिन ब्लैंक्स को फिल करने से पहले पैटर्न को देखना है, पैटर्न को देख करके समझना है, और समझते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं पैटर्न, देखते हैं 1 का आ लिखा हुआ 412। ठीक है, 422, 432, 442। जब हम लोग पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हम लोग को लग रहा है, ऐसा इसका डिफरेंस निकाल करके देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हर एक नंबर में 10 नंबर जो है 10 नंबर का बढ़ोतरी किया गया है। जैसे यहां 412 है, अगला लिखा 422 है, तो 422 में हम 412 को माइनस करके देखते हैं, 412 को माइनस करके देखते हैं तो 2 में 2 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1, 4 में 4 गया तो 0, आई मीन 10। हमारे सामने कौन सा नंबर आया, 10 आया, 10 आया, ये 10 जो है सो सब में बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 22 में फिर 10 बढ़ाया गया तो 432 हुआ, फिर इसमें 10 बढ़ाया गया 442 हुआ, ठीक उसी तरह से फिर 442 में हम फिर 10 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 2415, फिर 454। इस तरह से हम देख रहे हैं नंबर आ गया मेरा 452, फिर इसमें हम 10 नंबर बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, 2516, क्या आ गया, 462, क्या आ गया सर, 462। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, फिर 10 बढ़ाएंगे, हाँ ठीक, फिर 10 बढ़ाते हैं, 2 का 2, 6 और 1, 7, 4 का 4, क्या आ गया नया नंबर, 472। इस तरह से ये जो 1 नंबर है मेरा सॉल्व हो गया। अब हम नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, नंबर 2 में हम देख रहे हैं 6000 है, 6500, फिर 6600, फिर 6700 और फिर 6800। पैटर्न को ध्यान से देखने के बाद हम लोग को ऐसा लग रहा है, ऐसा हम लोग को दिमाग में समझ में आ रहा है कि 6500 के बाद 6600 किया, इसका मतलब कितना बढ़ाया है, 100 बढ़ाया, 6600 से बढ़ा करके 700 कर दिया है, 100 बढ़ा, फिर 6700 से बढ़ा करके 800 कर दिया है, इसका मतलब सभी में 100 बढ़ाया गया है। तो हम लोग भी सभी में 100 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 100 तो यहाँ 6800 है, इसमें कितना बढ़ाना है सर, 100 बढ़ाना है, चलिए 100 प्लस कर दिए, 0 0 8 और 1
नाइन, नाइन सिक्स का सिक्स, तो ये हो गया मेरा 6900। फिर कितना पढ़ाना है सर जी? 100। फिर 100 पढ़ा रहे हैं, जीरो जीरो, नाइन और वन टेन, टेन का जीरो हासिल वन, वन सिक्स और वन सेवन, सेवन इस तरह से क्या आ गया सर? सेवन थाउजेंड, सेवन थाउजेंड लिख दिए। फिर कितना पढ़ाना है? 100। फिर 100 पढ़ा दिए, जीरो जीरो वन सेवन का सेवन, सेवन इस तरह नया नंबर क्या आया? सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड, वन हंड्रेड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड, वन हंड्रेड लिखेंगे। बहुत ही सुंदर। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वह भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर को बनाएंगे। तीसरा नंबर को बनाने के लिए फिर पैटर्न को देखेंगे। तो आइए पैटर्न को देखते हैं। नाइन थाउजेंड, फिर 9000 के बाद 8000। अगर लग रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, घट रहा है। फिर 8000 से 7000, मतलब फिर घट गया, फिर घट गया। फिर 6000 के बाद 7000 के बाद फिर घट गया 6000, फिर 6000 फिर घट गया। तो हम क्या देख रहे हैं? 9000 था, उससे घटा के कितना कर दिया है? 8000। फिर घटा के कितना कर दिया है? 7000। फिर घटा के कितना कर दिया है? 6000। हम देख रहे हैं कि इसमें जो है सो 1000 क्या किया है? घटाया है। तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे? 1000 घटाएंगे, घटाएंगे। तो 6000 में 1000 घट जाएगा, कितना होगा? 5000 होगा। हम लोग लिखेंगे 5000। फिर 5000 में 1000 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 4000। ये 4000 हो गया सर? नहीं, क्या करना होगा? एक जीरो और होगा। गुड, अब हो गया हमारा 4000। अब 4000 से घटा के आप क्या लिखेंगे? 3000 लिखेंगे। चलिए इस तरह से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 5 के तीन क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 1 2 3। अब बाकी जो बच रहा है 4 5, इसे आप लोग अपनी कॉपी में बनावे, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 5, ये 5 का 5 क्वेश्चन आप लोग डील करें, कॉपी में बनावे और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। धन्यवाद बच्चों।